अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना ही अच्छा हो कि सुबह सुबह जब हम ये सोचें और सुबह उठें कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है, तो यकीन जाने जिस तरह आप अपनी बॉडी को, अपने दिमाग को समझाएंगे, आपको वैसे ही लगेगा। अगर आप सुबह सुबह उठेंगे और आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मुझे अभी ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, इतनी ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे हैं, ये जो बोझ है मैंने कंधों पे ढोया हुआ है पूरे ख़ानदान का, इसको मैं कैसे रन करूँगा, बिजली का बिल भी आएगा, गैस का बिल भी आएगा और बहुत सारे और अखराजात हैं जो मुझे पूरे करने इस छोटी सी तनख्वाह में, तो आपका दिन ही बुरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं पूरी तो करनी है आपने, लेकिन करवाने वाली ज़ात एक ऊपर बैठी है और वो रास्ते निकालती है, वो राहें निकालती है कि कैसे आपने अपनी ज़िंदगी के इस बोझ को, इस ज़िंदगी में जो उसने ही भेजा है, इसको कैसे ढोना है और कैसे अपनी नैया को पार लगाना है। सो ये जो रास्ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको ख़ुद गाइड करता जाता है। और आप जब पूरी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाते हैं, जब आप सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा लेते हैं, तो एक दिन आप बैठ कर अपनी स्पाउस के साथ या अपनी बेगम के साथ ये ज़रूर बात सोच कर समझ कर बोलते हैं, कैसे हो गया ये सब कुछ। ये सब चीज़ें मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, मैंने अपनी अम्मी अब्बू को आपस में बातें करते सुना। जब हम तीनों बेटियों की शादी हो गई तो वो इसी तरह कहीं बैठे थे कोने में और मेरे कानों तक उनकी यही आवाज़ आई कि कैसे निभ गई हैं ज़िम्मेदारियाँ, कैसे हो गया ये काम। तीनों बेटियाँ अपने घर में माशाल्लाह खुशबाश, बस अब बेटे की टेंशन है। बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप को सांझे होते हैं। बेटियाँ जब छोटी होती हैं तो उनको नाज नखरे से पाला जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको हर चीज़ वो सिखाई जाए जिसकी वजह से वो आगे चल के अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें। मुझे तो सच्ची बात है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे अपने बेटों के फ्यूचर से ज़्यादा बेटी के फ्यूचर की टेंशन रहती है, क्योंकि जिस तरह की कहानियाँ आपको इधर उधर सुनने में आती हैं, बड़ा खौफ और बड़ा डर लगता है। और आप उसकी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए बेटी की स्पेशली थोड़े से कॉन्शियस होते हैं कि बेटी के लिए ये कर देंगे, बेटी के लिए वो कर देंगे। भले ही आप कितना ही कहे कि नहीं, जायज़ नहीं देना, मगर फिर भी आपका दिल धड़क रहा होता है कि बेटी के पास इतना कुछ हो उसका अपना कि उसको किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। एक सॉफ्ट कॉर्नर माँ बाप के दिल में बेटी के लिए हमेशा से रहता है, मगर जब बेटी ज़िंदगी में आती है तो मुश्किलात भी उसी तरह आती हैं कि आपको बेटी को जब विदा करना है तो ऐसे करना है उसको पढ़ा लिखा के, और मतलब लाइक इस तरह करना है कि कोई कुछ आपका जानने वाला कह ना सके। ये एक प्रेशर ना भी हो तो ये इनबिल्ट प्रेशर होता है। आपको अपनी इज्जत बचानी होती है, फिर बच्चियों की भी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, मुझे यहाँ से तैयार होना है, मुझे वो वाला जोड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मगर फिर बहुत सारी बच्चियाँ बहुत समझदार भी होती हैं, अपने पेरेंट्स पे बोझ नहीं बनना चाहती, तो वो जिस तरह जो भी मिलता है उसमें गुजर बसर कर लेती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अब नहीं हैं इतनी मुश्किल, यानी दुल्हन बनना अब नहीं है इतना मुश्किल। बना देते हैं इसको कुछ आसान, जैसे मैंने आपको कहा, वो ऊपर बैठा अल्लाह की जो ऊपर बैठी अल्लाह की ज़ात है, वो खुद रास्ते निकालती है, नैया पार लगाती है। वो पेरेंट्स जो बैठे हैं परेशान कि कैसे होगी बेटी की शादी या बेटे की शादी, कैसे हम कहाँ से उधार लेंगे, कैसे ख़र्चा पूरा करेंगे, बड़ी सोच विचार हो रही है, सर पे तलवार लटक रही है डेट की कि डेट देनी है, और ख़र्चे अखराजात ये सब आपके ज़िम्मे हैं। आज का शो उन सारे माँ बाप के लिए है जो एंड में ये बैठ के डिस्कशन करना चाहते हैं मेरी अम्मा अब्बा की तरह, कैसे हो गया ये सब, कैसे कैसे ज़िम्मेदारी उतर गई। आइए इन दो जुमलों के लिए इस ढाई घंटे को अपने ढाई घंटे को हमारे शो में इन्वेस्ट करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुल्हन बनना अब इतना भी मुश्किल नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। मैंने कहा ना वो दो मिनट की बात कि हाय हमारी सारी जिम्मेदारियाँ निपट गई, वो जुमले बोलने के लिए आपने आज का शो देखना। और पहला जो सेगमेंट है वो हम शुरुआत करेंगे कि
कि सबसे ज़्यादा दुल्हन की ख्वाहिश होती है या दुल्हे की माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरी जो बहू है वो बड़ी प्यारी लगे, और दुल्हन की ख्वाहिश होती है वो सबसे प्यारी लगे। तो एक सबसे ज़्यादा बर्डन जो माँ बाप पर आता है वो आता है ब्राइडल जोड़ों का, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं अब कि वो वाली बात नहीं रही कि किरण के दुपट्टे पहन के, हाँ हाँ किरण के दुपट्टे पहन के आ जाए तो किरण के दुपट्टों से किरण भी मेरे साथ भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल बहुत अच्छी, बहुत मजे में, और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है किरण, बहुत जबरदस्त, कि आप दुल्हन बनना इतना मुश्किल नहीं नहीं है, वरना अगर शादी का सोचते हैं ना माँ बाप तो एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं कि कैसे होगा सब कुछ, ये सारा खर्चा ये हम कैसे उठाएंगे निभाएंगे, क्योंकि अब बात लाखों में नहीं करोड़ों में चली गई है। मतलब लग रहा मुझे अच्छे से याद है मेरी सारी शादी के इवेंट्स वो जो बहुत ही धूमधाम से होते 10 लाख में निपट गए थे, इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग। अम्मी अब्बा के पास ये बजट था, उसी में 4 इवेंट्स निपट गए आज से कोई 22 साल पहले। बिल्कुल ठीक है, और अब एक इवेंट भी नहीं होगा 10 में। नो वे, एक इवेंट, अगर आप एक अच्छा खूबसूरत जोड़ा भी लेना जाएंगे वो भी 4-5 मिनिमम 4-5 से कम का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको डिजाइनर वेयर या कुछ इस तरह के लेविश कपड़े चाहिए तो हमने शुरुआत किससे करनी है, आज हम थोड़ा सा आपको यही बता रहे हैं कि आप खर्चों को कैसे मोल्ड करके अपनी चादर तक, वो कहते हैं ना कि पैर फैलाएं, तो अपनी चादर तक कैसे लाएं और सब चीज़ अच्छी से अच्छी हो जाए। सो हमारे पास यहाँ हमारी टीम ने ढूंढ ढांड के इंटरनेट से, इंस्टा से, ये वो, क्योंकि होता है ना कि आपको पता नहीं होता, बिल्कुल, तो मैंने कहा जब हमें पता चला है तो हम सबको पता लगवाएं। अच्छा, इनकी अपनी कस्टमर्स तो होंगे जो नीश इनके करीब करीब जो इनको जानते होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को भी, जो शादी करने स्पेशली पाकिस्तान आते हैं, उनको भी पता चले कि भाई इस चीज़ में पैसा ज़ाया नहीं करना। एक इसका रास्ता हम निकाल रहे हैं, ब्राइडल जोड़ों जो आप जिस पे इतने लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्यों ना आप उसको रेंट पे ले लें, सिर्फ कोई 1-2-3 दिन के लिए। ब्यूटीफुल आइडिया है ना, बेस्ट। तो हम आपको मिलाते हैं। अब मैं ये नहीं करूंगी कि खाली कराची के लोग महसूस हो सकें, बल्कि पंजाब से फरासत अली आए हैं जो फैशन डिजाइनर भी हैं और ओनर ऑफ ब्राइडल चॉइस लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत जोड़े आपके पीछे हैं जो मैं अभी दिखाऊंगी, साथ में अपनी तीसरी मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करा दूं। और कराची वालों, आप नहीं सोचे कि हमें लाहौर से रेंट पे लेना पड़ेगा, भी कराची वालों के लिए भी यहाँ महनाज अब्बासी मौजूद हैं जो ओनर ऑफ द ब्राइड्स प्राइड बाय महनाज अब्बासी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। महनाज तो आई थिंक आप ड्रामों और बाकी चीजों के लिए भी वार्डरोब भी देख रही हूँ। पहले जब ये जोड़े रखे थे ना, मैंने कहा अच्छा आज तो सारे डिजाइनर्स आए, तो आपने बताया कि नहीं ये तो रेंट पे देने। मैंने कहा बस मैं अपना काम तो पक्का कर लूंगा, आगे जरूरत पड़ेगी ना तो फिर ये अभी से काम पक्का करके जा। अच्छा थोड़ा सा बताएं फरासत साहब कि आपके पास किस तरह के जोड़े होते हैं और क्या कीमत होती है उनकी जो आप रेंट पे देते हैं, थोड़ा सा गाइड। हमारे पास हर तरह के जोड़े होते हैं, निकाह का, थोड़ा सा दिखाते भी है ना, खूबसूरत खूबसूरत है। अब जैसे ये दिखाए जरा, ये वाला मेहंदी के ऊपर कलरफुल जोड़ा, ये सीधा है जी, मेहंदी का आर्टिकल है ये, बैक साइड है ये, इसका फ्रंट है। ठीक है, तो अभी जैसे आप कितने का रेंट पे दे देंगे? वैसे तो मैंने बताया जिस ब्रांड का ये डिजाइन बना हुआ है ना, वहाँ पे तो ये आपको 350 से कम नहीं मिलेगा, यानी 3,50,000 रुपए का ये रंग जी, टोटल हैंडमेड स्टिच वर्क है इसमें, और ये हम रेंट आउट करते हैं 22,000 में। 22,000 में जी, अल्लाह करे हमारी बहू भी मान जाए रेंट पे पहनने के लिए। बहू माने ना माने, हमारी सास तो मान गई ना। 22,000 मैं तो भाई अपने बच्चों की शादी पे रेंट पे लेके पहन। मैंने तो आपको यही बोला, मैंने कहा बेटे की शादी होगी, मैंने अभी से डिजाइनर आप जैसे जो है ना उनसे ले लेने कपड़े। अच्छा जरा और बताइए व्हाइट वाला कितना खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताइए, आप डिजाइनर के खुद कॉपी करके रखते हैं? जी हम खुद कॉपी करते हैं, डिजाइनर के कॉपी भी करते हैं, और डिजाइनर का अगर कोई सेल करना चाहे वो भी ले लेते हैं। ये हो गया वलीमे का जोड़ा या निकाह का जोड़ा, ये निकाह पे भी आप वेयर कर सकते हैं, और अगर आप इसको वलीमे में यूज करना चाहे तो दुपट्टा मुझे बता दें, मैं निकाल दूंगी, आपकी हेल्प कर दूं जरा। इसकी असल कीमत क्या होगी? ये असल कीमत तो जो है इसकी 450 है। अच्छा, लेकिन ये रेंट पे 35,000 में मिलेगा। अच्छा, और अगर साइज का थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन होता है? साइज कोई भी हो वो हम करवा के देते हैं, इसमें हमारा मार्जिन होता है।
ये ड्राई क्लीन भी होते हैं और जैसे कि मैंने बताया ये लाइनिंग होती है इसकी, ये न्यू लगती है। अच्छा, ये सारी लाइनिंग न्यू लगती है। ड्राई क्लीन दुल्हन को करवा के देना होता है या आप लोग खुद करवाते हैं? नहीं, हम करवा के देते हैं। जो मैंने प्राइस बताई है इसमें सब कुछ इंक्लूड है, इसमें साइज वगैरह करवा के सब कुछ हम रेडी करके देंगे। ये 35 में, ये 35 पर डे, नहीं 3 से 4 डेज के लिए। 3 से 4 डेज अगर आप लाहौर सिटी में हैं तो आपको 3 डेज के लिए मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ सिटी में हैं, कराची हैं, हैदराबाद हैं, तो फिर उसमें हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, 5 से 6 डेज के लिए हम भेज देते हैं। हमारी ऑनलाइन ज्यादा बुकिंग। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका में देख रहा है और उसको करनी है, भाई वो फजूल में इतने पैसे नहीं जाया कर रही, वो कह रही है, तो अगर उन्होंने मंगाना हो, वो जो हमारा ओवरसीज कस्टमर है ना, वो ज्यादातर जो है वो हमारे से ऑर्डर पे बनवा लेते हैं। अच्छा, और उसके बाद वेयर करके फिर वो वापस हमें ही रिटर्न कर देते हैं। अरे ये तो ऐसे कैसे, जैसे आप ऑर्डर पे भी बना देंगे? मैंने आपको बताया कि जैसे किसी ने कोई रेंट पे ब्राइडल तैयार करवाना है, वो चाहती है कि मैं अपनी मर्जी का ब्राइडल बनवाऊँ, किसी ब्रांड का बनवाऊँ, सेम एज इट इज बनवाऊँ, उसकी जो एक्चुअल प्राइस होगी ना उसका हम 30% रेंट लेंगे और उनको नया ड्रेस बना देंगे। फर्स्ट यूजर भी वही होंगे। मतलब कि अगर मुझे कोई जोड़ा पसंद आ रहा है और मैंने आपको दिखाया, ये देखें ये ब्राइडल जोड़ा है, ये आप बना दें मुझे शादी के लिए, ठीक है? इन्होंने बना दिया और जो उसकी टोटल कॉस्ट जैसे 1,00,000 रुपए का आपको पड़ा और आप हमसे ले लेंगे 30,000 लेंगे, आपको रेडी कर देंगे, फर्स्ट यूजर भी आप होंगे। अच्छा, जैसे कोई थर्ड यूजर होगा उसका रेंट फिर कम होता जाएगा। देखो कई लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि नहीं, और कोई इसी चीज को देख के जो है ना हमने ये किया कि अच्छा खाली ये तो बाहर वाले कस्टमर्स के लिए, अगर यहाँ वाले कराची वाले या लाहौर वाले या यहाँ वाले भी हैं, पूरे पाकिस्तान में है, अगर कोई नया बनवाना चाहता है वो इस चीज को नहीं मानता कि मैं रेंट पे यूज करूँ, तो वो नया हमारे से बनवा ले और बाद में हमें रिटर्न कर दे, चाहे हमारे से वही ड्रेस जो है रेंट पे ले ले, चाहे हमारे से परचेज कर। और अगर वो 3-3 लाख का बन रहा हो तो आप अग्री करते हैं या 1-1.5-2 लाख? 30% लेंगे हम उसका। 30% पैसे तो आप करें, अगर 10 लाख का बन रहा है ना तो उसका 30% वो तो 30% पे आप रेंट पे देंगे। 10 लाख रुपए तो आपको देने पड़ेंगे ना, जितने का वो बनेगा। नहीं, इतने का बनता नहीं है ना ड्रेस। अच्छा ठीक है, एक्चुअल जो ब्रांड का है उसका भी अपना मार्जिन होता है। जैसे ब्रांड पे 10 लाख है ना, जी ये लटका लें भले, ये इन्होंने बनाया। अगर ब्रांड पे 10 लाख का है, ठीक है, वो अपना नाम डिजाइनर है, जारे अपना नाम यही तो उनका है, फर्ज करो वो 10 लाख का है, तो ये 3 लाख लेंगे कस्टमर से। आपने देखा, फर्ज करो, नहीं वो नहीं ये चीज नहीं, यही तो है, यही तो बोल रहे ना, डिजाइनर के पास जितने का भी उससे उनका कोई कंसर्न नहीं, 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 आपने यही बोला ना, जो डिजाइनर की प्राइस होगी, जो डिजाइनर की, डिजाइनर की 10 लाख की प्राइस होगी उसका हम 30% लेंगे, ये और आप वैसा ही बनाएंगे, वैसा सेम बनाएंगे। ओ ये कह रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ लोगों को सही से क्लियर क्लियर हो जाए, ताकि फिर आके इनसे लड़ाइयां ना करें, आपने निदा के शो पे ये बोला, तो फिर हमें डिजाइनर का जोड़ा भी पता हो कि ये कितने का है, ताकि पता होता है वो तो आप फोन करके पूछते हैं, वेबसाइट्स पे आजकल नहीं लिखते ये सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स की ब्राइडल की प्राइस नहीं लिखते, वो नहीं लिखते, फोन पे कंफर्म करते हैं कि अच्छा ये इतने आपके नाप का बनेगा, आपकी लेंथ होगी, आगे और पीछे ये काम होगा, तो फिर वो सारी डिटेल्स होती है। अच्छा, तो फिर वो आप कम में फिर बना देंगे। हाँ, और चीज वैसे ही बनेगी। और दिखाएं कुछ लाल जोड़ों की तरफ, चलिए जरा कुछ लाल जोड़े, ये कलर भी प्यारा है, मिंट ग्रीन सा अच्छा लग रहा है, पिंक, हाँ ये भी ब्राइडल, ये जरा हम रेड वाले दिखा दे, फिर हम दोबारा व्हाइट में आते थोड़े। 300 इसका फ्लेयर बना हुआ है, हेल्प चाहिए तो कोई बात, थैंक यू। 300 इसका फ्लेयर बना हुआ है, हाँ फ्रंट बैक एज इट इज बना हुआ है। ये कितने का वैसे होगा डिजाइनर के पास और आपके पास? ये MNR की कॉपी बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये 12 लाख, मुझे कत्ल कर देंगे वो, मैं उनकी कॉपी 12 लाख का, 12 लाख का ये इसकी प्राइस है। अच्छा ठीक है, और ये जो हम रेंट पे हम दे रहे हैं 45,000 में। ओ माय गॉड, तो ये तो 30% भी नहीं हुआ, ये तो मैं कहूंगी बिल्कुल, ये हमारे अपने यानी कि उनके डिजाइन हमने कॉपी किए हुए हैं, ये हमने अपनी मर्जी से करवाए हुए हैं, अगर आप अपनी मर्जी से करवाएंगी तो उसका हम 30% लेंगे। सुने, जो दुल्हनें पहनती हैं इस तरह से, वो लोगों को क्या बताती कि ये एक्चुअल डिजाइनर का है, तस्वीर पे थोड़ी लिखकर सबटाइटल चलाएंगे ये हमने फरासत अली से लिया है। नहीं तो लोग तो पूछते हैं ना आपस में, आज कहाँ का जोड़ा है, अच्छा जोड़ा कहाँ का है दुल्हन, तो बता देंगे वो डिजाइनर का नाम, मत ले मेरे पीछे पड़ जाएंगे सब, तो क्या कर रही है ये दिखाई ग्रीन कैसा मार्केट बना दी है। नहीं पता है क्या, बहुत अच्छा आइडिया है ये, मेहंदी का, हाँ मेहंदी का है, कलरफुल सही है। और ये कितने का होगा तकरीबन रेंट पे? ये 20,000 में,
20,000. मतलब शुरुआत रेंट की कहाँ से हो रही है? हमारा जो पार्टी, हमारा जो पार्टी वेयर है ना वो 8,000 से स्टार्ट है और 20,000 तक मिल जाएगा. और जो हमारा ब्राइडल है वो 15,000 से स्टार्ट है और वो 55-60 तक अवेलेबल है. अच्छा, वेरी गुड. ये सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो डिजाइनर का कॉपी भी करके दे. मरून वाला दिखाएं जरा, ये वाला, ये मरून वाला. अंदर बैठे हुए लोगों को भी देखना है जरा, मरून वाला तो दिखाइए. ये फ्रंट ओपन में फ्रॉक है. अच्छा, ये तो ओके ओके. अंदर से पूरे घाघरे की. ये कितने का रेंट है इसका? ये 30,000 में. मैं जा रहा पूरे शो में यही करती रहा, अभी बहुत जोड़े देखते रहो ना सारे, क्योंकि अभी कराची वाले. अच्छा, ये एक आइस ब्लू और दिखा दे. ये क्या ये है? आइस ब्लू और व्हाइट दोनों एक ऐसे दिखा दे. ये आइस ब्लू वाला भी बड़ा खूबसूरत डिजाइन है और इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा बना हुआ है. वाओ, ओए होए, 350 प्लस इसका फ्लेयर बना हुआ है. ओ माय गॉड, ये देखें इसकी फॉल, देखें कितनी खूबसूरत इसकी फॉल है. कलियों वाला है ना, कितना प्यारा लग रहा है. और नेट का दुपट्टा, हसीन ज्वेलरी के साथ बस दुल्हन का. रेंट क्या है भाई? ये 50,000 में. अच्छा, ऐसा ना हो अभी से बुकिंग मिलना शुरू हो शादियों का सीजन. हमारी बुकिंग चल रही है ऑलरेडी. और अगर फर्ज करें किसी का इस पे दिल आ गया और फिर इस पे और बुकिंग आ गई, अब क्या होगा? फिर हम नया पीस एक और पीस बनवाएंगे नया. लेकिन इतनी जल्दी कैसे बनवाएंगे? अच्छा, हमारा ये एक इम्पोर्टेंट सवाल, सॉरी सॉरी, कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर में शादी है जी, आपसे बुकिंग कितने अरसे पहले करानी? हमारी जो बुकिंग है वो 3 से 4 महीने पहले बुकिंग चल रही है. ठीक है, जी, क्योंकि जिस तरह सीजन जब पीक पे आता है ना, हाँ, तो उस टाइम पे फिर डिजाइनर ड्रेस नहीं मिलते. अच्छा, किसी की अचानक से बात पक्की होती है और शादी होती जी, है, उनके लिए भी जो अवेलेबल होगा? जो बिल्कुल सही कहा, जो अवेलेबल होगा ना ड्रेस वो उनको मिलेगा, जो अवेलेबल नहीं होगा वो उनको नहीं मिलेगा. अच्छा, अब जैसे ये तो आप रीयूज करेंगे, अब मुझे ये चीज अच्छी लगी, कोई आया उसने कहा कि ये मुझे एग्जैक्टली यही बना दे लेकिन मेरे लिए और मैं ही ले जाऊंगी, मैं वापस नहीं करूंगी जी, बना तो फिर इसकी प्राइस कितनी तक? ये हम 350 में बना के देंगे. 350 में, वही मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर डिजाइनर के पास जो है वो 10 लाख का है तो आप उसको कम में बना के देंगे. अगर हमने खरीदना ही है जोड़ा, तो आपके पास ये दो फैसिलिटीज अवेलेबल है, रेंट भी है और आप कॉपी भी बना के खरीद भी सकते हैं. हाँ, तो कभी आपके पास डिजाइनर नहीं पहुंच जाते शोरूम पे, तुमने हमारी कॉपी क्यों की? नहीं, अब तो ये ट्रेंड बन गया डिजाइनरों का, तकरीबन हर कोई इनकी कॉपी कर रहा है. ठीक है, क्योंकि डिजाइनर की जो ड्रेस है वो पसंद किए जाते हैं. भाई आपको ये वाली बात करें, पाकिस्तान में इंडिया में तो लाइक छोटे छोटे खोकेट लगा दिए हैं और वहाँ दो मतलब कॉपी की साड़ी तो फलाना के कपड़े तो ये कॉपी मिल रही होती है. अच्छा, ये इंडियन ब्रांड का है ये निकाह का जो आगे ये वो थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था. ये इंडियन है जी, ये इंडियन है, ये मैंने खुद कॉपी किया हुआ. नहीं, ये प्यारा लग रहा है. अच्छा, इसका स्केच भी मैंने खुद बनाया हुआ है और इस पे जो वर्क है इसकी सेटिंग भी सारी खुद करवाई हुई है. ये इंडियन ब्रांड है, महारानी कलेक्शन. महारानी कलेक्शन, ये किसी क्लाइंट की फरमाइश पे उसको बना कर दिया था रेंट पे. वेरी, लेकिन ये है कि काफी अच्छा रिस्पांस आया इसका. हाँ, तो इसका हमने एक रेड कलर में भी ऑर्डर लगवाया हुआ. ये कितने में दे रहे हैं रेंट? ये हम 30,000 में दे रहे हैं. तो अल्लाह, हमारा प्रोग्राम देख के लोग दूसरी शादियां ना करने लगे, खर्चे के मारे करते रहे हैं. मुझे तो टेंशन हो रही है. नहीं, एटलीस्ट अब वो थोड़े से रिलैक्स हो गए कि अब खर्चे किया बगैर जो है ना कम खर्चे में ये जरा अच्छे कपड़े. और मतलब सबसे अच्छी बात है कि साफ सुथरे और मतलब लाइक ड्राई क्लीन. ऐसे नहीं है जैसे आप किसी की दुकान पे जाते हैं ना, काले हो रहे हैं, काम सारा फ्रेश है, बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी का है. मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये जो सीरियसली अगर मेरी शादी पे ये फैसिलिटी अवेलेबल होती मेरे, मैं कभी भी नहीं कपड़े. वैसे भी मैंने बहुत सस्ते कपड़े बनवाए थे, बहुत महंगे नहीं बनाए, फिर भी निदा ये दिल दुखता है कि या ये पड़े रहेंगे. हाँ, अलमारी में बस पड़े रहते हैं. हमें काफी कस्टमर है जो कॉल करता है कि भाई मैंने ये लहंगा बनवाया था इस ब्रांड से, हाँ, 7 लाख का बनवाया था, अब ये मैंने सेल करना है. तो जब हम उसको पैसे लगाते हैं, हम 1 लाख का लेंगे तो हमसे लड़ता है कि भाई मैंने 7 का बनवाया था. अच्छा, आप ऐसा भी करते हैं? जी, हम खरीदते भी हैं. अच्छा, हम खरीदते भी हैं. और इसके अलावा अगर कोई अपना ड्रेस हमारे पास रेंट आउट के लिए रखवाना चाहे, कि अगर आपके पास ब्राइडल है और वो ब्राइडल आपका वेस्ट हुआ हुआ, आपने कोई 7-8 लाख रुपया लगाया हुआ लेकिन वो वेस्ट है, तो वो ड्रेस आप हमारे पास रखवाए, वो जब भी रेंट आउट होगा 30% हम आपको उसका. ये बहुत अच्छा आइडिया है निदा, कि मतलब हमारे अलमारी में जो कपड़े पड़े रहे, इतने थोक के हिसाब से काम हुआ हुआ है, ऐसे लोगों को हम दे दे, परसेंटेज ले लें. और वो जब भी रेंट आउट होता है वो परसेंटेज जो है. कितने अर्से से है आपकी शॉप?
ये हमारी शॉप है, तकरीबन 3 साल से हम रेंट का कर रहे हैं। इससे पहले 8-10 साल से हम जो है ऑर्डर बुकिंग का काम कर रहे थे। अच्छा। लेकिन ऑर्डर बुकिंग लोकेशन कहाँ है लाहौर में? ये भी एमएम आलम रोड पर। और जी एमएम आलम रोड पर है। असल में ना कस्टमर की ना परचेज पावर नहीं है, आपको पता जो इस टाइम हमारे मुल्क के हालात है ना, हमें शादी पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना वो हमें ब्राइडल ड्रेसेस का होता है कि आप हर तरफ से जो है अपने पैसे वो कर सकते हैं, यानी कि आप शादी हाल से नहीं वो बचा सकते, खाने में नहीं कंप्रोमाइज कर सकते, वहाँ एक ड्रेस है तो जिसमें आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं और जो है आप लाखों के ड्रेस जो है हजारों में पहन सकते हैं। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मैं मनाज आपसे जो है वो आपके जोड़े दिखाऊंगी, ताकि वो कराची वाले जो है ना वो ना हाय हम कैसे मंगवाएंगे, हम क्या करेंगे। सो यहाँ फिर अब हम कराची की कलेक्शन आपको दिखाएंगे मनाज की, ठीक है? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो अभी भी हम आपको कपड़े ही दिखा रहे हैं, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा मेन जो मुद्दा है खर्चों का वो ये है। महनाज तो हमारे पास हैं ही, मैं अब महनाज की तरफ चलूँगी, लेकिन अभी अभी ज्वाइन इन किया है निमरा मदनी ने, जो कि ओनर हैं निमरा मदनी रेंटल ड्रेसेस की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ही के शो पर आई थी और मैं भी थी उस शो में। आप भी चले जी, अब हम महनाज की तरफ चलते हैं, फिर मैं निमरा की तरफ आऊंगी। महनाज दिखाइए भाई अपने कपड़े। अच्छा, यहाँ महनाज की डिफरेंट बात क्या है? महनाज के पास डिजाइनर के रियल यानी कि कॉपी नहीं, हाँ, बल्कि ये डिजाइनर से ओरिजिनल ओरिजिनल है इनके पास। जो जोड़े हैं वो ये इनके पास होते हैं। सो अगर किसी को वो चाहिए ओरिजिनल, हाँ, तो यहाँ रेंट आउट कर सकते हैं। आप दिखा सकती हैं किस किस के ओरिजिनल आप? महनाज ये ओरिजिनल आपके पास कहाँ से आते हैं? हाँ, मैं ऑर्डर पे बनवाती हूँ। अच्छा जी, अच्छा, ये मतलब आपने ऑर्डर किया कोई डिजाइनर को ही? जैसे ये किस डिजाइनर का? डैफोडिल्स। ये डैफोडिल्स का है। सही है, उधर दिखाए ना कैमरा, उधर आप हमें दिखा रही जी। तो ये आप रेंट पे फिर तकरीबन कितने का देगी? जैसे ये मैं 30,000 का। 30,000 के। अच्छा, वो दिखाएं थोड़े से बड़े डिजाइनर्स को दिखाएगा जरा। हाँ, वो जो वेल्वेट वाला आप कह रही थी, आप कह रही थी ना एमएनआर का, कह रही थी आप मोहसिन नवीद रांझा का। ये मोहसिन नवीद रांझा का है, ये ओपन गाउन स्टाइल में है। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा है। ओ मेरे अल्लाह, वाकई दिल चाह रहा है कि कोई दुपट्टा देखिए, इसका दुपट्टा बहुत हसीन है। कोई फंक्शन, कोई शादी तो नहीं आ रही निदा? मैं आप दुपट्टा निकालें जरा, सही से तो दिखाएं ना। ये इतना प्यारा लग रहा है किरण, इसके जरा घेर तो वो करें सीधा सीधा। ये स्ट्रिंग कोई हेल्प कर दे भाई। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। सेम, ये देख, एक मिनट थोड़ा सा मैं ये वहां से वो करें थोड़ा, जिस तरह मुझे चाहिए मैं उस तरह दिखाती हूं। हां, ये ले एक मिनट थोड़ा लग भाई, किसी आदमी को आना पड़ेगा भाई। बहुत हैवी है, बहुत हैवी है भाई। हैट्स ऑफ टू ऑल द ब्राइड्स जो इतने हैवी जोड़े। इस तरह पीछे जाओ, पीछे जाओ, इसको हैंगर को थोड़ा सा ऊपर करो और ऐसे हम खोलते हैं। और ये इसका सामने देखें, ये देखें, और ये इसका लहंगा है नीचे। ओह माय गॉड, नीचे इसके दिस, ये ओरिजिनल मोहसिन नवीद रांझा का है। और ये इसकी क्या रेंजल है तकरीबन? ये आपको 50,000 में मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो 6 लाख है। दुपट्टा बहुत हसीन है, मैंने दिखाया आपको दुपट्टा। क्या हसीन जोड़ा लग रहा है यार, शादी भी करो भाई। अच्छा, और तो ये जाएगा 50 में रेंट पे। हाँ, और ये कितने दिन के लिए आप दे सकते हैं? किसी को भेज दे ताकि वो ये लटका के, 5 डेज का पैकेज है जी, 5 डेज का पैकेज है। उसमें इसका पोटली, इसका कैन इसके नीचे। अच्छा, पोटली भी थी जी, और ज्वेलरी का कलेक्शन है। ज्वेलरी भी जो मतलब कम है, लेकिन जो भी मतलब वो लेना चाहे उनको मिल जाएगी। ये 50 में शामिल है जी, बिल्कुल। अच्छा, ज्वेलरी पूरा पैकेज, पूरा पैकेज। अच्छा, और दिखाएं किसी, जबरदस्त। ये थोड़ा कम हैवी है, लेकिन ये बहुत इसका फ्लेयर जो है काशी का है। काशी से ही। अच्छा, ठीक है। और ये कितने रेंज पे जाता है? ये आपको 20,000 में मिल जाएगा, ज्वेलरी वगैरह के साथ। वेरी नाइस। और दुपट्टा भी है इसका सारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ये फ्रंट बैक इसका। मुझे कुछ चाहिए इधर भेजे लड़का, ताकि वो टांगता रहे, हम दिखाते रहे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए कहते हैं रोज तैयार होके आया करो, कभी भी टीम पे आ सकते हो। और ये इसका दुपट्टा, अब वो छुप रहा है।
सही है। इधर कितना चाहिए होगी मुझे लटकाने? इसके 20,000 आप यहाँ रखती रहे, ठीक है ये लटकाता रहेगा, ठीक है ना? बस आप दिखाती रहे क्योंकि वो टाइम वेस्ट हो रहा है लटकाने में, गिराते रहो तुम। ये भी प्यारा है, ये किसका? ये भी काशीज है, ये भी काशीज है वेलवेट का। बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं जो बहुत हैवी जो है ना वो नहीं उठा सकते, कैरी नहीं कर सकते, तो ये इसका लुक हैवी है लेकिन ये वैसे हैवी नहीं है। तो ये इसका रेंज क्या है? इसका 18 है। वेरी गुड, ओके अच्छा, देखिए ना हर रेंज में है, महंगा भी आप जाना चाहिए। इसका हां जी, इसका ब्लाउज सही, इसका ब्लाउज ठीक है। और डिजाइनर्स का दिखाइएगा जरा। हां ये वाला कौन सा है? ये जो रेड है, ये वाला नहीं, ये और कौन कौन से डिजाइनर के आपके पास? और कौन से डिजाइनर के आपके पास? ये देखिए, ये सफ्यूज ब्रांड है। अच्छा, ये सफ्यूज का जी। इसकी शर्ट ठीक है, इसकी शर्ट में दिखाती हूँ। लहंगा हर तरह की आपको वैरायटी मिल रही है, ठीक है जी। और ये तकरीबन कितने रेंट पे? ये भी आपको मिल जाएगा 16,000 में। क्रीम पे भी कितना प्यारा आ रहा है काम पूरा इसका, वेरी नाइस। चलिए अब हम लाइट कलर में चलते हैं। ये तो थे शादी की वैरायटी, मतलब और भी होगी जाहिर है, सारा तो नहीं उठा के ला सकती। तो मेनाज ये सिर्फ दुल्हन के लिए आप दिखाती रहे, दुल्हन ही के लिए आपके पास जोड़े हैं या दुल्हन के लिए? या जैसे अम्मी के लिए हो, बहनों के लिए हो, पार्टी वेयर भी होते हैं जी जी होते हैं, लेकिन ये कि आप जैसे कोई बोलता है तो मैं अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, सही है। तो मेहनाज का कोई पेज वगैरह है आपका जहाँ से हम ये सारे जोड़े देख सकते हैं? बिल्कुल, द ब्राइड्स प्राइड के नाम से है और फेसबुक पे है शरारा ऑन रेंट के नाम से। अच्छा ठीक है, ओके सही है। ये कौन सी ब्रांड है? ये भी द ब्राइड्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर फर्ज करें उमर सईद का जोड़ा मेरे पास है और मैं कहूँ कि भाई मुझे ये बेचना है आपको या मुझे रेंट पे रखवाना है, तो आप क्या आप खरीद लेती हैं जैसे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अगर आपके पास कोई 6 लाख का है और आप कह रहे हो कि यार अब तो मैंने इसको परचेज कर लिया, वैसे मेरे वार्डरोब में रखा है, जैसे होता है एक दिन के लिए तो हम उसको यूज करते हैं, तो फिर आप मैं हाफ प्राइस में आपसे परचेज कर लूँ। अच्छा, या अगर आप रेंट पे मेरे पास रखवाना चाहते हो तो मैं वो भी रख कर लूंगी। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन हैं जी। और रेंट पे वही परसेंटेज आप परसेंटेज 30% है। और वो दिखाएगा पर्पल वाला, लाइलैक प्यारा लग रहा है। तो कुछ ब्राइड्स को जो है वो मैक्सी नहीं चाहिए होती है, वो कहती है कि हमें लहंगा चोली पहननी है, तो ये इसकी चोली है। इसका लहंगा है वो। लहंगा दिखाओ ना किरण, ये माशाल्लाह इतना आपको 30,000 में मिल जाएगा। अच्छा, इसकी वर्थ जो है वो 450 है। ओके, दुपट्टा भी इतना खूबसूरत है इसका, ये निकाह के लिए। ये तो मुझे और जी बहुत हसीन है, बहुत हसीन। और इसके साथ इसकी ज्वेलरी भी है तो मैचिंग को जो भी है जी। ये जो आप अभी रेट बता रही है ये पूरा पैकेज की डील होती है जी, पैकेज हर जोड़े के साथ आप पूरा देखो ना, महावजाहत लिखा है, सबके नाम लिखे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। और कौन सा है? ये पिंक देख लिया हमने जी, पिंक देख ली मैं, दिखा ये देखें। Oh my God, इतने भारी जोड़े हैं, ये दुल्हने पहनती कैसे? अरे भाई शौक दा कोई मोल नहीं, ऐसा भी क्या शौक अजियत हो जाए इतना भारी। अच्छा एक चीज मैं और बताऊं, ये जैसे थोड़ा सा जी 10 किलो से ऊपर का है ये, और होती पतली दुबली सी है बेचारी। ये भी द ब्राइड्स की है। हाँ ये देखे ना, ये पूरा टैग वैग सब लगा हुआ है। ये उल्टा है या सीधा है? नहीं दोनों तरफ से, आप कहीं से भी पहन लें इसको। हाय हाय जी, अच्छा कहीं से भी आप इसको वेयर कर। ये भी देखो ये अच्छा, ओके बहुत प्यारा बना। और इसका मैं दुपट्टा दिखाती हूँ। और ये कितने में रेंट पे? ये आपको मिल जाएगा 30,000 में। 30। अच्छा मैं इस तरह से करती हूँ जैसे बिल्कुल जैसे उन्होंने भी बताया कि 50,000 अगर रेंट है तो वो फर्स्ट टाइमर जो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए है। हाँ। और जैसे ही मतलब अगर उसकी कंडीशन थोड़ी सी वो हो जाती है तो फिर उसका रेंट कम होता चला जाता है। अच्छा नहीं 40 पे आ जाएगा, फिर 35 पे, फिर 30, इस तरह से।
तो ड्राई क्लीनिंग वगैरह वो सारी चीजें तो प्रॉपरली होंगी, फ्रेश करके ही देंगे, लेकिन न्यू नहीं होगा, थोड़ा सा उसकी कंडीशन में फर्क हो जाता है तो रेंट कम होता है। लोग बार्गेनिंग करें तो आप थोड़ी करती हैं? कर भी लेते हैं, वो तो होता है, ये उसी का दुपट्टा है, जबरदस्त तेल दुपट्टा है, काफी काफी लंबा, जी जी बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त भी बड़े अच्छा लगा। और आप बताइए कि कहाँ से आप को ढूंढे, कैसे ढूंढे, बैंड तो आपका चल रहा है लेकिन एड्रेस वगैरह भी बता दें। ये PCHS ब्लॉक 6 लगता है, अच्छा। और महमूदाबाद 5 नंबर भी लगता है, अच्छा जी। तो इस तरह से वो मतलब द ब्राइड्स प्राइड के नाम से आप जब सर्च करेंगे या शरारा ऑन रेंट के नाम घर से, पे है या कोई शॉप है? नहीं, बुटीक का सेटअप है जी, घर पे ही है लेकिन बुटीक का सेटअप है बाकायदा जी। अच्छा, और काफी टाइम हो गया, फ्रॉम सिंस 2015, अच्छा, तब से कर रहे हैं जी जी। और फिर नई नई चीजें भी आर्टिकल आते जाते हैं और जी जी, जाहिर है अपग्रेड करना पड़ता है क्योंकि हर साल जो है वो चेंज हो जाता है, डिजाइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं निमरा की तरफ, हमारे पास टाइम है इस सेगमेंट में। ओके निमरा, पहले भी हमारे पास आ चुकी है लेकिन अब मैं देख रही हूँ उनके वार्डरोब में और भी ज्यादा हैवी 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 हो गए। चलो निमरा, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, बस बहुत हो गया, आराम, अब दिखाओ तुम अपने कपड़े। अच्छा, मैं स्टार्ट करती हूं। कोई कोई जिद्दत, कोई नई चीज आई है या अभी? वाओ, ओहो, ओहो, क्या बात है, इतना ये वलीमे के लिए मैक्सी है। हाँ, एंड इसके साथ हम ज्वेलरी, जो जैसे उन्होंने बताया, हम प्रॉपर हर चीज देते हैं, बैग, ज्वेलरी, शूज। तुम लोगों के तो मेकअप भी होता है ना? मेकअप भी होता है। तुम लोगों का कहाँ है, एड्रेस बताओ जरा अपना। ये बिल्कुल ऑपोजिट डॉल्मन मॉल हैदरी के हमारा आउटलेट है प्रॉपर, और वहाँ पर ही हमारी शॉप भी है और उसके अंदर हमारा सैलून भी है। सैलून और फोटो फोटो फोटोग्राफी भी होती है, फोटोग्राफी, मेकअप, फोटोग्राफी, कपड़े, ज्वेलरी, अंडर वन रूफ। इट्स लाइक के हम सिर्फ ड्रेसेस नहीं देते निदा, हम स्टाइलिंग देते हैं बेसिकली। मेरी सिस्टर, मैं, हम लोग वहाँ खुद अवेलेबल होते हैं एंड वी गाइड द ब्राइड कि तुम्हें किस तरह का लुक करना चाहिए, अगर उसको गाइडेंस चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए, वो सिर्फ ड्रेस रेंट आउट करके लेकर जाना चाहे, दैट्स आल्सो। अब जैसे ये गाउन आप बता रहे हो, ये पूरा पैकेज जो है ये कितने में? 35,000। इसमें ज्वेलरी भी है, शूज भी है, बैग भी है, बट मेकअप नहीं है, उसके चार्जेस वो तो खैर अलग है। एक ये ऑप्शन है, खूबसूरत, कोई प्लीज वलीमे का प्लीज हेल्प करो भाई, आके कोई यहाँ पे भी जल्दी आओ, माशाल्लाह। एक ऑप्शन वलीमे का ये है, कलर भी कितना प्यारा है। अच्छा, इसमें कुछ ड्रेसेस हमारे पास जैसे इन्होंने बताया ब्रांड्स के भी हैं और कुछ नॉन ब्रांडेड भी हैं, वी वर्क ऑन बोथ द काइंड, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो नीश है, हर किसी का बजट इतना ज्यादा नहीं होता, सो हम ब्रांडेड ड्रेसेस भी रखते हैं और नॉन ब्रांडेड। थोड़ा सा ये बताओ कि कितने से शुरू होता है रेंट और कितने तक जा सकता है? अच्छा, हमारे पास सिर्फ ब्राइडल फैसिलिटीज नहीं है, दुल्हन की बहन, अम्मी, चाची, मामी, सबके ड्रेसेस हैं, सो हमारा मिनिमम जो रेंट है वो 1800 है और मैक्सिमम जो है वो 40,000 है। ब्राइडल्स है 40 की रेंज में, वैसे नॉर्मल जो जैसे पार्टी वेयर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो भाई है ना, ये तैयार होके नहीं आए, ये बार बार भाग के जा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे रुके, इधर रुको भाई, बस अपना मुंह छुपा लेना। ये भी प्यारा है, जैसे ये है, अगर दुल्हन की कोई डिजाइनर का, ये फरहत आलम, अच्छा ओके, अगर कोई ब्राइड जैसे ब्राइट की बहन है उसने पहनना है तो चाहिए होता है, कुछ फरहत आलम पहना हुआ है तो फिर एंड और क्या तस्वीरें तो अच्छी आ जाएंगी, 15,000 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए हम आपको शो मारने के तरीके बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये काशी, इसका लहंगा है, हाँ। इसका रेंट 15,000 है। अच्छा, अच्छा सही है, काशी हमें गोली मार काशी के कहीं क्या कर रही है आप? काशी खुद स्टार्ट कर लेगा रेंट पे देना है अपने। तुम ये सही कह रही हो, कहेगा मैं ही दे देता हूँ रेंट पे अपने। जैसे ब्राइडल्स के लिए रेड में लड़कियों को चाहिए होता है कि हमें गरारा पहनना है, इस तरह का वो MNR की कॉपी टाइप का है, MNR का नहीं है। मैं उठा लेती हूँ, सीधा है ये, सीधा लग रहा है मुझे ब्लाउज के साथ, ये सीधा इसके नीचे। अच्छा सही, ओके ओके ओके। ये तकरीबन कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा 25,000। ओके, वेरी गुड भाई, फैसिलिटी अवेलेबल है, कुछ भी कह ले, अच्छे और महंगे जोड़े। क्या कभी कभार आप खरीदने जाते हैं हाँ बाजार में और आपका बजट कम होता है तो आपको उस बजट में इतना गंदा
वो मिलते हैं पैसा खर्च करने का दिल नहीं चाहता लेकिन पहनने का दिल होता है सबका। तो उसमें देखो ना कुछ लोगों को जिस इनके पास मैक्सीज का कलेक्शन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये ब्राइडल ये वलीमे के लिए है, इसमें प्रॉपर हम ज्वेलरी अच्छा सा मेकओवर हर चीज प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास जितने क्लाइंट्स आ रहे हैं ना वो ज्यादातर आ भी पूरी स्टाइलिंग के लिए रहे हैं। उनको ड्रेस भी चाहिए। देखो किसी को ना बहुत कपड़े तो ले लेते हैं लेकिन उसको पहन कर स्टाइल करना नहीं आता कि अच्छा कैसे हो क्या हो, फिर वो अपने हिसाब से सैलून ढूंढ लेते हैं अपने गली के करीब और फिर उनको वो नहीं तरीकेकार होता तो एक वो जोड़ा भी जाया हो जाता है ऐसा लगता है। तो फायदा उठाए ना निम्रा की पूरी बहनों का जो पूरी टीम है भाई, पूरी टीम है, सबके एस्थेटिक्स अच्छे हैं। ये मेहंदी का ड्रेस है और इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा दुपट्टा भी कैरी करने के लिए दिया है, साइड में डालने के लिए थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। वेरी नाइस, बस सही है भाई सारा, अपने आप को सौंप देना जाके फिर उसके बाद अपनी पसंद का आपको बहुत सारी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी कम पैसे में। दे दे लटका दे। अच्छा है। अच्छा अब और कोई है ब्राइडल का ये करारा कौन सा है दिखाओ, जैसे फॉर एग्जांपल शरारा पसंद आ गया है, शरारा तो घुस ही जाता है लेकिन अगर थोड़ी ओबीस लड़की है तो शर्ट क्या सिलवाएं वो या क्या कुछ इस तरह का भी ऑप्शन है कि भी खाली हमें भी है। सिर्फ घाघरा चाहिए रेंट पे, हम शर्ट प्लेन बनवा लेते हैं, ये भी हो सकता है ना। देखो भी बहुत सारी रिसेंटली एक क्लाइंट आया था वो थोड़ी सी बल्की थी बट उनको शरारा बहुत पसंद आ गया था एंड दुपट्टा, तो उन्होंने शर्ट उस पर खुद बना ली और हमसे शरारा और दुपट्टा रेंट आउट कर दिया। ये बेहतर आइडिया है, बहुत अच्छा है ये। तो साइजेस लिमिटेड होते हैं सो इसलिए लोग इस तरह भी कर लेते हैं। ये अच्छी बात है, जबरदस्त जबरदस्त। ये सारे दिखा दिए, ये पिंक वाला भी दिखा दिया। कौन सा? क्या है मजेंटा? ये वाला? ये वाला मैं निकालती हूं, तुम्हारा माइक पीछे लटक रहा है, सही करो तुम, जेब में डालो। ये क्या है? ये मजेंटा है। अच्छा दुपट्टा और वो शरारा, दुपट्टा और वो, ये भी किसी डिजाइनर का है, मल्लाइबा पता नहीं। हाँ ये किसी जैसे किसी लेंडर ने लेंड करवाया अपने ड्रेसेस, ये देखो जैसे इतना खूबसूरत है, बहुत हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं, हर तरह के टेस्ट के लोग आते हैं। कुछ लोगों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं, कुछ का टेस्ट बहुत लाइट होता है यार उठाने में। देखो उसका काम, उफ सीन है, बहुत प्यारा लग काम, बहुत नफीस है उसका। सो वो भाई चॉइस है आपके, ये एक मैं आपको नई राह दिखा रही हूँ, मैं आपको एक नया जबरदस्त राह वो दिखा रही हूँ कि आइडिया दे रही हूँ कि भाई पहले क्या होता था ना, लोग ना थोड़ा सा शर्माते थे कि हम रेंट के जोड़े पहन रहे हैं, बताते नहीं थे, लेकिन अब आई थिंक लोग जितना नॉर्मलाइज कर रहे हैं, हम लोग इतना शो रखते हैं बिकॉज़ हम अब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप स्मार्ट हैं। आप ये नहीं है कि आपको अफोर्डेबिलिटी इश्यूज हैं, आई थिंक ये ट्रेंड सेट कर देना चाहिए कि कम पैसे, अगर मुझे अब मौका मिलता ना तो मैं यही करती। सीरियसली मेरे पास पैसे होंगे मैं उसकी वेकेशन पे चली जाऊं, कहीं घूमने चली जाऊं, कुछ और चीज में इन्वेस्ट कर दें। ड्रेसेस आप अपनी कबर्ड में रख देते हैं, उनको बक्सों में बंद करके रख देते हैं, कोई फायदा नहीं है उस चीज पर इन्वेस्ट करने के। और मैं उनको भी बोलना चाहूंगी जिनके ड्रेसेस रखे हुए, वो अपने ड्रेसेस अगर लेंड कराना चाहें और वही 30-70 वाला रूल के 30% आप एटलीस्ट उस पर कमाना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, लाखों रुपए रख के अलमारी में ऐसा लगता है कि बस जला दिया, बेकार। थैंक यू आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपको और मजीद चीजें दिखाएंगे और साथ साथ यही बताएंगे कि कैसे आसानी से बेटी की शादी करें। बेटी क्या, बेटे की भी भाई, आजकल वो भी आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अजीब लग रहा है, मैं एक लेवल पे बैठी हुई हूँ, एक लेवल पे किरण बैठी हुई है और कुछ लेवल कुछ अजीब भी हो रहा है, लेकिन मैं भी थोड़ी देर में खड़ी हो जाऊंगी क्योंकि मैं एक दूसरा मसला हल कराने के लिए ये सेगमेंट हम लेकर आए हैं और वो है मेकअप्स। किरण मेकअप्स कितने महंगे हो गए? बहुत महंगे। कितना चल रहा होगा वैसे ब्राइडल यार? 50 मतलब आप एक सैलून जाओ तो 50,000 तो मिनिमम है उनके चार्जेस। आप कहीं भी जाओगे, थोड़ा सा नाम अगर उस सैलून का होगा और आपको लगेगा हाँ जी अच्छा मेकअप है, दुल्हनों की अंबार लगे होंगे उधर, आपका नंबर भी कोई 3-4 घंटे बाद आएगा, मगर स्टार्टिंग ही 50,000 से है। कम क्यों ना कुछ ऐसा हल उसका निकाले कि मेकअप भी अच्छा हो और हमारे घर पे भी हो जाए। जोड़े का तो हल आपने निकाल दिया। हाँ जोड़े का हल और आपके घर पे भी हो जाए, आपको टेंशन ना हो कि मेरी ज्वेलरी इधर उधर ले जाना, ये सारे मसले मसाइल होते हैं। साथ एक बंदा भी जा रहा है जी सैलून में, बैठा हुआ है इंतजार में उधर रिसेप्शन पे,
तो इसलिए हमने उसका हल निकाला. इतनी टैलेंटेड खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं जो घर जाके मेकअप कर लेती हैं, और उनको हमने मेरी टीम ने ढूंढ निकाला अलग अलग इंस्टा से और उनका काम देखने के बाद. सो मेरे साथ या मेरे सामने इस वक्त जो यहाँ पे आप देखेंगे वाइट में है नगीन उमैर. अच्छा सॉरी, यहाँ से शुरू करूँगी मैं, इधर से आ रही हूँ. नगीन हमारे साथ है, नगीन उमैर जो कि फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट हैं, और इनका खुद का अपना ब्यूटी कॉल बाय नगीन के नाम से पेज है, ब्यूटी कॉल बाय नगीन. और ये ब्राइड भी बना के लाई हैं ताकि लोगों को अगर इनका मेकअप पसंद आए तो जाहिर है फिर वो देख सकती हैं. फिर इनके बराबर अगर आप जाएंगे तो हमारे पास हैं जी शमा अली. अस्सलाम वालेकुम जी शमा. शमा जो है ये ओनर है शमा अली सैलून की. आपका सैलून है या पेज है? सैलून भी है. तो ये भी अपनी ब्राइड बना के लाई है कि भाई लोग देख सके कि भाई ये सुबह सुबह मैं इस तरह ब्राइड बना के लाई हूँ, अंदाजा भी हो जाए. हेयर एंड मेकअप सब करते हैं आप? सारी सर्विस. और फिर हमारे साथ हैं सोबिया कामरान. कामरान के खान खान सोबिया खान है जो कि ओनर ऑफ मेहरोज खान ब्यूटी सैलून हैं. इनकी ब्राइड देख सकते हैं. अच्छा, आप सबके सैलून अच्छा भी हैं? जरा हैंड माइक चाहिए होगा मुझे, माशाल्लाह किसी के पास भी माइक माइक ही है. जी जी. अच्छा, तो थोड़ा सा प्लीज गाइडलाइन दे दें कि आप घर जाती हैं और कितने में आप. मैं घर जाके अगर मेकअप करती हूँ तो वो सिर्फ 10,000 में करती हूँ. अच्छा, और फिर अगर कोई कहे कि हमारे भाई साथ पार्टी मेकअप्स भी हैं तो एक पैकेज डील भी कोई आप दे देती हैं? हाँ, तो पार्टी मेकअप जो है वो भी मैं 2,000 में दे देती हूँ. अच्छा अच्छा, पर फेस 2,000 पर फेस. पर फेस जी. और हेयर वगैरह भी शामिल होते हैं उसमें? फ्रंट हेयर स्टाइलिंग हल्की फुल्की सी हो जाती है. अच्छा ठीक है ठीक है. और आप प्लीज बताइए अगर आप फैसिलिटेट करती हैं. जी अगर घर जाकर करती हूँ तो आपने अपना मेकअप बहुत अच्छा किया. अगर घर जाकर हम सर्विसेज देते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं 10,000 to 12,000. अच्छा, और फिर वही चीज़ अगर सैलून पे क्लाइंट आता है तो ऑब्वियसली चार्जेस बढ़ जाते हैं उसके, जो मेकअप के चार्जेस होते हैं. फिर जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनकी डिमांड्स तो घर जाके सस्ता कैसे हो जाता है? ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैलून नहीं आ सकते तो हम उनको घर जाकर ये सर्विस प्रोवाइड करें कि उनको मिनिमम बजट में. तो वो हमारी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उनकी रिहाइश कहाँ है, उनसे हम वो जितना हो सकता है मिनिमम बजट पे हम तो पिक एंड ड्रॉप वो लोग जी वो कर देते हैं हमें, तो हम ऑब्वियसली उनको ये सर्विस घर पे जाकर हम प्रोवाइड करते हैं. अच्छा, प्रोवाइड करते वो फिर अपने टाइम के हिसाब से भी बुलाते हैं. देखो ये अच्छी हो गई चीज कि बहुत सारे लोग ना घर पे भी अवॉइड करते हैं. घर पे रिश्तेदार होते हैं, घर इतने बड़े नहीं होते, वहाँ घिच पिच लाइट जाना और एसी का मसला ये वो, तो कुछ लोगों को सैलून ज्यादा बेहतर लगता है. तो आपके पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि आप और हेयर और मेकअप सारी चीजें फिर सारी चीजें. अच्छा, घर पे अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट आएगा ना तो मेरे ख्याल से खानदान के बहुत सारे लोग भी हैं ना वो बैठ जाएंगे. हाँ. चलो हम भी करा लेते हैं. वो एक दूसरे को बोलते हैं ना, चलो तुम भी करा लो, मेरा थोड़ा सा ब्लॉक है तो कर दो. हाँ, थोड़ा सा ये एक हाथ मार दें तो. लेकिन अब ये लोग भी बेवकूफ नहीं है भाई, नहीं चार्ज करेंगे. ऑफ कोर्स चार्ज करेंगे. हां, ये तो सारे तो है, वरना वो जो घर की एक भांजी होती है ना वो फंस जाती है. खाला भी आ गई, फुप्पो भी आ गई, सारे नहीं. लेकिन अब जो प्रोफेशनल है वो तो कहेगा भाई कि मेरे चार्जेस हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता. मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं. पार्टी मेकअप का भी है ना आपका? जी, पार्टी मेकअप भी है. मेकअप पार्टी मेकअप भी जो है वो डिफरेंट वैरायटीज से है. लाइक पार्टी मेकअप है, सॉफ्ट पार्टी मेकअप. फिर कुछ लोग के थोड़ा मॉडर्न लुक चाहते हैं, आईज उनको अच्छी चाहिए होती हैं, आजकल वो ग्लिमरी शिमरी चल रही हैं, तो उसके फिर चार्जेस हम थोड़े से ज़्यादा. और बस उसमें चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं, ग्लिटर शिमर्स, उसकी कॉस्ट जो होती है. कोशिश यही होती है कि अगर घर पर सर्विस दे रहे हैं तो मिनिमम प्राइस में हम उनको. ये बाइक लीजिए. थैंक यू जी. आप बताइए. हाँ, नगीन नगीन जी. नगीन, आप बताइए कि आप किस तरह फैसिलिटेट करती हैं, क्या चार्जेस आप लेती हैं? सैलून के मेरे चार्जेस हैं वो 30,000 है, लेकिन जब मैं घर पे जाके करती हूँ तो 15 चार्ज करती हूँ. अच्छा. इसके रीज़न ये कि काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमें जैसे फादर वगैरह अलाउ नहीं करते हैं सैलून जाना, या वो पर्दा करती हैं. अच्छा. तो वो कहती हैं लेकिन मुझे शौक है कि मैं आपसे मेकअप करवाऊँ. तो इस वजह से मैंने शुरू से ही स्टार्ट से ही रखा हुआ है कि मैं कुछ क्लाइंट्स के लिए घर पर भी जाके करूँ और उनको मैं स्पेशली डिस्काउंट दूँ. अच्छा. तो वो डिस्काउंट का शुरू से एक पैकेज रखा है हर चीज़ में, जिससे सर्विसेज भी होती है तो वो भी मैं जैसे घर पे लड़कियां भेज देती हूँ वो सारी सर्विसेज देती हैं, कलर डाई सारी चीज़ें और मेकअप भी.
तो इसलिए शुरू से मैंने ये रखा हुआ ताकि जो नहीं आ सकते हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम है, उनका भी मेकअप अच्छे से अच्छा हो सके। ठीक, ब्राइडल मेकअप। थैंक यू जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज मेकअप के अलावा होती है ज्वेलरी, गोल्ड। गोल्ड का आप क्या आज सोच सकते हैं? टीका, झूमर, नथ, सतलड़ा, गुलूबंद, पहले की दुल्हनें अच्छी थी, ओरिजिनल पहन के बैठती थी, आप सोच सकते हैं? और अगर आप सोचें ये सब चीजें गोल्ड में बनेंगी तो कहाँ तक कहानी जाएगी? नो वे। या तो फिर पड़े हो आपकी सास की, आपकी सास की सास, सात पुश्तों के जो ज्वेलरी पड़ी हो और वही निकाल के आप अपनी बेटी को या बहू को दे दे तो ठीक है, लेकिन अक्लमंदी तो आजकल इसी में कि आप छोटे गोल्ड सेट्स बनाएं या फिर गोल्ड के बिस्किट्स अगर आपने देने भी हैं अपनी बच्ची के नाम रखे हैं, भाई मैंने तो देने हैं अपनी बेटी को, तो सोने के बिस्किट दे दें ताकि वो एक उनकी सेफ्टी के लिए रहें। मगर ज्वेलरी आप शादी के दिन उनको यहाँ की पहना सकते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। इमिटेशन ज्वेलरी आजकल बहुत, हाँ इमिटेशन ज्वेलरी ही दिखा रही हूँ। इजान मिर्जा हमारे साथ है, जो ओनर ऑफ मिर्जा भाई online.co है। ये ज्वेलरी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आपके पास ब्राइडल ज्वेलरी भी होती है पूरी? ब्राइडल पार्टी वियर सब चीजें होती है हमारे पास। हाँ। और हर चीज हम ऑर्डर पे भी बनाते हैं, कस्टमर अगर कोई डिजाइन देता है मेकिंग भी करते हैं। हाँ। और हम मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बाकी ऑनलाइन सारा सिस्टम है इसके अंदर। हाँ। जैसे अब ये सेट है ये तकरीबन कितने का होगा? तकरीबन 6000 रुपीस का है। अच्छा, 6000 का पूरा। और ये कोई चांदी वांदी का नहीं है? चांदी वगैरह का नहीं है, इमिटेशन है। इमिटेशन, हां इमिटेशन, क्योंकि एक जमाने में चांदी तक की कहानी तो चल रही थी, मगर अब चांदी भी महंगी हो गई। तो ये आप भी रेंट पे देते हैं? रेंट पे नहीं देते, वैसे क्योंकि हमारे रेट से ऐसे होते हैं, सस्ता है। यही चीज आपको 15000 18000 की मिलेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रेट है तो ये ऑलरेडी आपको कम ही मिलेंगे। तो ये अच्छे सारे आपको, आप ये वाला जैसे सेट है ये कितने का पड़ेगा? ये तकरीबन 6500 का, ये वलीमे के हिसाब से बहुत जबरदस्त क्वालिटी में बनाई है। अच्छा, ये ऐसा पिंक में भी है? पिंक में भी अवेलेबल है, बाकी कस्टमाइज तो आप करवा सकते हैं। तो आपकी कहाँ है शॉप? कहाँ? शॉप कराची में जामा क्लॉथ मार्केट पे है। अच्छा, बाकी तमाम चीजें वेबसाइट, बाकी ऑनलाइन भी अवेलेबल है? ऑनलाइन बिल्कुल अवेलेबल है, इंटरनेशनल से पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से खरीदारी करवाते हैं लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कस्टमर का कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना एक बड़ा मुश्किल है। अब आप ट्रस्ट जरा गेन, अगर ये वेबसाइट पे पिक्चर है वो नहीं खरीदेगा, लेकिन हमारा बेसिकली ऐसा होता है एक लाइव सेशन होता है जो हम डेली करते हैं या वीक में 3 डेज। अब ये चीज है ना कि मैं लोगों सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म से दिखाता हूँ कि भाई इसकी क्वालिटी है और लोगों लाइव दिख रहा है, तो उससे उनको ये आसानी हो जाती है कि यार जो चीज दिख रही है हमें वही मिलेगी। हाँ, और कोई एडवांस पेमेंट नहीं है, वो देखो जब मिले तब आप देते हैं। हाँ। ये वाला, ये कितने का है? ये कियारा आडवाणी का पीस है, ओरिजिनल। कियारा आडवाणी जो मॉडल है, एक्टर है इंडियन, बेसिकली उन्होंने पहना हुआ है। नामों से ज्वेलरी और कपड़े बिकते हैं, ये डिजाइन उन्होंने पहना हुआ है, ये पूरा अमेरिकन डायमंड बना हुआ है। ये कितने का है? 10,500 का। 10,500 का विद इयररिंग्स। विद इयररिंग्स। और इसमें टीका भी है? टीका भी मौजूद है, ये रहा टीका। ओके, ये टीका है। टीका भी है। ये तो फुल मॉडर्न है भाई। इसका मतलब अवेलेबिलिटी आपके पास हर तरह की है। क्वांटिटी अवेलेबल होती है बिल्कुल। वाओ। सारे कलर्स वालर्स आपको रेंज मिल जाएगी। हां। अच्छा, तो वो इंस्टा सब पे आपकी तस्वीरें हर जगह अवेलेबल होती हैं। ठीक, महंगे से महंगा सेट कितने का? महंगे से महंगे मेरे पास तकरीबन 40,000 तक है। बाकी देखिए स्पेशली झूमर बनवाया हुआ है, ये ब्राइडल में कस्टमर ने अभी रेडी करवाया हुआ है। इस तरीके से झूमर बनवाया है कस्टमर। तो अब ये खास बनवा भी सकते हैं क्या? इसके बिल्कुल बनवा सकते हैं, अगर आपका कोई डिजाइन है। हाँ। ये मेकिंग हुई भी थी तो मैं रेडी था, मैं भी लेकर आया हूँ, लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह की चीजें हम तमाम बना के देते हैं। और अगर आपको जैसे किसी का कोई डिजाइन दिखाएं कि भाई ऐसा हमें बना दें, तो वो भी आप बिल्कुल बना बन जाएगा, कस्टमाइज कर देते हैं। कस्टमाइजेशन हो जाती है। हाँ। और बाकी हमारी ही इतनी डिजाइन है, कस्टमर जब एक बार आ जाए तो सब भूल जाता है। नहीं, लेकिन सबका अपना शौक होता है ना। बिल्कुल, कि भाई मैं उसकी कॉपी बना दें उस तरह का, जैसे आप कियारा आडवाणी दिखा रहे हैं, कोई दीपिका का हार ले आए कि मुझे ये वाला बना के दे, कोई अंबानी का हार ले, और क्या कोई अंबानी का ले आए फिर। अंबानी वाले तो बहुत बिके, ये भी प्यारा है, ये सिल्वर के साथ, जैसे कुछ जोड़ों में सिल्वर होता है ना अक्सर, तो आप ये वेरी नाइस शो कर रहे हैं। सही है, ये देखो नीला, जरा सब कलर्स अवेलेबल है, ये मैंने जो निकाल गिरना हां इसको ये रख ले। तो ये कितने का है? ये 3000 रुपीस का। अच्छा, 3000 डिजाइनर चोकर्स हैं ये भी सारे। अच्छा, सही सही है। ठीक है, ठीक, अच्छी है इनकी। हां, अच्छी रेंज जी। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ, क्योंकि मजीद बहुत कुछ है भाई, खाली ज्वेलरी और कपड़े और शादी मेकअप पे थोड़ी शादी खत्म हो जाती है, खाना है। हाँ,
बहुत सारे खर्चे होते हैं, कोई आसान थोड़ी होते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं और किरण बैठे हुए अभी यही सोच रहे हैं कि शादी करना अभी इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ। यानी कि अब जाहिर है महंगाई का दौर है, कम पैसों में अच्छी चीज मिल सकती है, सारे अरमान पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर समझदारी से स्मार्टली अगर आप चीजें करें तो बिल्कुल, वरना बहुत और बहुत सारे अच्छे अच्छे ज्वेलरी डिजाइनर भी बहुत मिल जाते हैं। बहुत हम अपना बजट थोड़ा सा अगर बढ़ाए लाइक 12,000 तक आपको मतलब बिल्कुल रियल गोल्ड इमिटेशन ज्वेलरी तो बहुत अच्छी, क्योंकि वो इंडियन ज्वेलरी यहाँ पे मिल रही है, कुंदन स्टाइल गोल्डन मार्केट वगैरह से बहुत बहुत हर जगह तारिक रोड पे, इवन के गल्फ में भी आपको इतने अच्छे अच्छे चोकर्स, मतलब कि अगर आपको लगे कि भाई आपकी चॉइस के हिसाब से हम चीजें नहीं दिखा रहे तो हम सिर्फ जाहिर है हम अंडर वन रूफ इतनी सारी चीजें नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे ऑप्शंस हैं, ब्राइडल सेट्स आपको मिल रहे हैं कुंदन के, हर चीज के, गोल्ड के, दूसरे जो होते हैं इंडियन सेट्स 10,000 से 15,000 में ब्राइडल सेट्स विद झूमर टीका हर चीज बहुत अच्छी। तब उससे हट के थोड़ा, हालांकि हमें बहुत ऐसे में सारे के कपड़े और दिखाएं, कपड़े और दिखाएं। हाँ तो दिखा देते हैं, दिखाते हैं अभी थोड़ा रुक के दिखाते हैं। मेरा भी दिल था कि जरा और देखें कपड़े, लेकिन मैंने कहा कि भाई खाना, ये एक ऐसा खाना और वेन्यू, ये एक ऐसी चीजें हैं कि इसके लिए बहुत पैसे आपको जरा इकट्ठे करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि दुल्हन खुश हो गई ज्वेलरी और जोड़ा और मेकअप देखकर, लेकिन जो लोग उस शादी में आए हुए होते हैं वो खुश होते हैं खाना खाकर। माँ बाप को टेंशन होती है असल में खाने की, जगह की, कि ये एक इवेंट है, ये अच्छे से हो जाए, सब चीज अच्छी हो या खाना अच्छा नहीं हुआ तो आखिर में यही बात रह जाती है, हाँ सही था, हर चीज अच्छी थी, खाना बस कम पड़ गया, मछली कम पड़ गई, कम पड़ गया। सो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। इस वक्त मेरे पास इमरान शफीक साहब हैं जो कि शाही बॉलरूम से जिनका ताल्लुक है, ये हमें वेन्यू के हवाले से गाइडलाइंस देंगे, और फिर मेरे पास मौजूद हैं याकूब आलम साहब जो आला राही केटर से जिनका ताल्लुक है। सो आप दोनों से जाहिर है मैं आपसे वेन्यू के हवाले से ऑप्शंस मांगूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, और आपसे वेन्यूज़ के सॉरी खाने के हवाले से ऑप्शंस मांगूंगी कि कैसे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अगर आप, ये तो ये है कि जितना आप कुआं है ये आप भरते रहो भरते रहो भरते रहो पैसे भरते रहें। मैं अगर आपसे, आपके बारे में नहीं, मैं अगर नॉर्मली पूछती हूँ खाने के हवाले से, सो पर हेड कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है कहानी आजकल? हाँ। क्योंकि मुझे याद है एक जमाने में 1100 पर हेड बेस्ट शादी का खाना होता था, बेस्ट फिर भी ज्यादा बता हर चीज 1100 तो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ कि लेविश जहाँ लाइव हर चीज लगी हुई, तंदूर कोल्ड ड्रिंक्स भी शामिल, एग्जैक्टली कोल्ड ड्रिंक्स तो शामिल कभी भी नहीं होते, वो एक अलग ही सीन होती। तो आप मुझे ये बताइए कि अब पर हेड क्या क्या चल रही है कहानी? हमने तो कम से कम भी, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं आप मुझे जनरली बताएं, बाहर जो चल रहा है आमतौर पे जनरली वो 600, 700, 1000, 1000-1500 तो एक आम चलता ही, वो तो एक नॉर्मल है, लेकिन अगर लेविश आपको रखना है फिर 3,000, 3,500 उसमें होता क्या है जो इतना आइटम बढ़ जाते हैं, मीठे के आइटम हो जाते हैं, उसमें कोई सी फूड हो जाता है, सी फूड हो जाता है, लाइव कुकिंग हो रही होती है, जितना वो कह रहे हैं बढ़ जाता है, स्टार्टर बढ़ जाता है, जितना गुड़ डालो उतना ही वो, अब तो सुशी वगैरह भी ऐड हो जाती है ना, जी सारे आइटम है, टर्किश आइटम है, पाकिस्तानी है, चाइनीज है, सारे मिल मिला के वो जितना गुण अलग अलग, अलग वो होता है, लाइव सेशन सुशी का एक अलग लगावा है, हर तरह के होते हैं जितना आप खर्चा करो। अच्छा अब अगर हम आते हैं थोड़ा सा, अब आपकी मर्जी आपने कितना खर्चा करना है, लेकिन हम आपको मिनिमम से शुरू करके थोड़ा आगे तक बढ़ाते हैं, सॉरी अब अगर हम मिनिमम, आपके पास मिनिमम ऑप्शन क्या है, आप इस तरफ आइएगा प्लीज, हाँ उधर हमारे कैमरा है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला मेन्यू वन का ऑप्शन है जिसमें आप 500 लोगों को केटर कर सकते हैं, 1,92,500 का ये पैकेज है जिसमें शामिल हो गई चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई, जर्दा रोटी ताफ्तान, सलाद रायता, सलाद ये है, हाँ रायता वहाँ पड़ा, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये मतलब 500 लोगों का खाना, तो ये पर हेड कितना पड़ता है? पर हेड का हिसाब फिर नहीं होता, ये है 385, लेकिन जैसे हम 500 कह रहे हैं तो ये 550 तक खा लेते हमारा वजन, अच्छा सही है, वो वाली चीज है।
अच्छा, अब अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे आती हूँ तो मेन्यू टू जो है आपका वो क्या आपको ये हो गया ना, मेन्यू टू है तो है ही नहीं क्या? सेकंड ऑप्शन तो ये पड़ा हुआ है लेकिन वो मुझे सेकंड आप नहीं, आप मुझे उससे फिर इससे थोड़े से ज्यादा पैसों का बताएं। दो वो हो गया मेन्यू फाइव। हाँ, इधर आ जाए प्लीज, इस तरफ आप, कैमरा पीछे आपकी बैक हो। ये हो गया। अच्छा, ये एक अलग मेन्यू है, इसको हम मेन्यू फाइव का नाम दे रहे हैं। ये 500 लोगों का है और 2,25,000 में हमें क्या क्या मिल रहा है? चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, माशाल्लाह कैमरा जिस तरह आप दिखा रहे हैं कोई खाना आ नहीं रहा, कैमरा चेंज कर ले माशाल्लाह। सिर्फ ये आ रही है ट्रे ऊपर है वो काफी, सिर्फ बिरयानी देख पा रहे हो। चिकन बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, कढ़ाई की जगह चिकन कोरमा भी कर सकते हैं, खीर है, रोटी ताफ्तान है, सलाद रायता है। तो इसमें एडिशन क्या हुआ? इस पिछले वाले में जर्दा था, इसमें खीर आ गई। अच्छा, तो खीर थोड़ी सी महंगी हो गई। जी थोड़ी महंगी। अच्छा ठीक है, खीर थोड़ी, खीर की थोड़ी सी हो गई ना। हाँ, मतलब 50,000 के करीब। ओके, अब हम चल रहे नेक्स्ट ऑप्शन। हमने 1,92,000 वाला बता दिया, 2,25,000 वाला बता दिया, अब 3,25,000, 3,25,000 पे चल रहे। मेन्यू थ्री है ये जी, इसमें क्या है? ये मेन्यू थ्री है, ये मेन्यू थ्री है, इसमें बीफ बिरयानी है। अच्छा, इसमें बीफ बिरयानी है, चिकन कढ़ाई है, दूध दुलारी है, दूध दुलारी और रोटी ताफ्तान, सलाद रहा। जरा आ जाए माशाल्लाह, करीब खाने इतने सजाए हैं, लेकर आए तो दिखा भी दे, सुबह सुबह लोगों को भूख लगे। दूध दुलारी थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई, तो 3,25,000 पे चले गए। ये है 2,50,000 का, लेकिन ये रेट में थोड़ा फर्क है। क्या मतलब 2,50,000 का? ये मेरे ख्याल से गलती से आ गया, चेंज हो गया, 2,50,000 वाला ये गलती से आ गया। ये 2,50,000 का है, बिरयानी है जी, ये दूध दुलारी है, रोटी ताफ्तान है, कढ़ाई है, रायता है, सलाद। ये कितने का है? ये 2,50,000 का है, 2,50,000 का पैकेज है। मैं गलती से यहाँ बोर्ड 3,25,000 का था, लेकिन ये 2,50,000 का पैकेज है। मैं वही कहूँ, खाली दूध दुलारी से इतना महंगा कैसे हो? समझो कि दो मेन डिशेज हैं और एक मीठा है। हाँ, वही अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, अब अगले ऑप्शन का क्या है पैसे? अगला एक ये है, नहीं पैसों के एतबार से, पैसों के हिसाब से वो बात है। अब वो बोर्ड जो वहाँ गलती हुई है वो यहाँ कंटिन्यू। आप इस तरफ आइए भाई, ये ले, ये बोर्ड, ये 3,25,000 वाला है, ये रणनिदा, ये 3,25,000 वाला बोर्ड है। बोर्ड अल्लाह मियां, ये लो, चलो भाई कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई ना। ये 3,25,000 का है, 3,25,000, इसमें हमारे पास सैलेड भी आपके पास जी, सैलेड भी। अच्छा, आप थोड़ा पीछे आ जाएं थोड़ा, ताकि कैमरा शूट कर सके। ठीक है, इसमें ये बीफ बिरयानी है हमारे साथ, और चिकन लाइफ कढ़ाई है, हलीम है, ये दही बड़े हैं। अच्छा, दही बड़े भी हैं? जी दही बड़े भी हैं, और मीठे में दूध दुलारी, गुलाब जामुन, सलाद रायता। सलाद ये वाली है? जी जी, ये है इसके, ये ऑप्शन। ओके, तो ये 3,25,000 में 500 लोग हो गया, 500 से ऊपर खा सकते। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका सबसे ज्यादा महंगा, जी ये महंगा है, वो है सॉरी, इसमें अदद के लिहाज से आइटम कम है, लेकिन बारबेक्यू की वजह से इसके रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास बीफ बिरयानी है, और ये चिकन कोरमा है, और चेरी क्रंच है। चेरी क्रंच क्या होता है? ये इसी दूध दुलारी टाइप का एक मीठा है, लिक्विड बना हुआ होता है, कॉकटेल डलती है, ड्राई फ्रूट डलते हैं, और ये हमारे पास टिक्का है, और इसके साथ ये सलाद। तो ये हमारा 3,350 का, 500 लोग। जी जी, इसमें जो खास एक बताने वाली बात होती है वो ये होती है कि जैसे ये एक 3,350 का है, लेकिन इसके आइटम टिक्के की वजह से रेट बढ़ गए, लेकिन आइटम कम है। अब इसके नस्बत अगर वो देखें तो वहाँ पैसे हमारे नीचे जा रहे हैं, आइटम हमारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक चीज जो लोगों के समझने के लिए थोड़े सादे आइटम्स भी ऐड कर दिए। बिल्कुल, जो ये थे अलाराही केटर्स। अब मैं आपके पास आ जाती हूँ, और बॉल रूम्स, इमरान साहब बॉल रूम्स की बात करते हैं, वेन्यूज की बात करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप जनरली मुझे बताना शुरू करें कि अगर हॉल या गार्डन या ये बुक कराना है तो कहाँ से कहाँ तक की प्राइसेस आजकल चल रही हैं? देखें, जैसे अगर हम वेन्यू के हवाले से बात करते हैं और बैंक्वेट की तरफ जाते हैं तो लाखों में बात होती है। अच्छा, बैंक्वेट, अगर बैंक्वेट की अगर हम बात करते हैं तो लाखों से शुरू होता है मामला। अगर हम अब जैसे नया कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा आइडिया देना कितने से कितने लाख तक का? ये गालिबन 2,500-3,00,000 से शुरू होता है, फिर ये 12,00,000-15,00,000 तक जाता है। खाली वेन्यू, खाना वाना कुछ नहीं? सिर्फ वेन्यू। अच्छा, डेकोरेशन भी नहीं, मतलब सिर्फ जगह, जो बैंक्वेट्स ऑलरेडी डेकोरेटेड होते हैं, जो बेसिक उसमें जो चीजें होती हैं वो आपको देते हैं, जैसे चेयर्स वगैरह हो गई, किसी ने अगर उसमें फ्लावर का काम कराना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। जो गुलदान है या जो टेबल कवर्स है या जो कुर्सियां हैं या कुर्सियों के ऊपर की सीट्स हैं,
वो आपके पास ऑप्शन होता है, अभी भाई की शादी हुई ना कुछ साल पहले तो पता है। हाँ। और लैम्प के कवर्स हैं वो उनके पास ऑप्शन होते हैं कि अच्छा ये वाला थीम लेना है। अच्छा। थीम को उसमें चेंज कर सकते हैं। हाँ। ठीक है जी बिल्कुल। अच्छा अब इसमें अगर पैसों के हवाले से बात करें तो भी नया कॉन्सेप्ट आया बॉल रूम के हवाले से। अच्छा तो जो काम हमारा लाखों रुपए में होता है बैंक्वेट में तो ये बॉल रूम के अंदर हजारों में हो जाता है। ऐसे कैसे? ये इस तरीके से होता है कि बॉल रूम बेसिकली पहले है क्या वो हमें थोड़ा क्लियर करें। बल्कि इनकी तस्वीरें होती तो तस्वीरें हैं हमारे पास जी। हम तस्वीरें देख बॉल रूम क्या है बेसिकली। मैं अभी कई किसी शादी को अटेंड करने गई थी वो बॉल रूम में शादी थी। वो एक कमर्शियल एरिया था और उसके अंदर बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के अंदर जो मैंने समझा वो मैं समझा रही हूँ उस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर्स थे। जी जी बिल्कुल वो अलग अलग फ्लोर्स थे। जैसे अब फर्ज करो एक फ्लोर पे 200 लोग आ सकते हैं। अब हमें जो है हमारे हमने तो बुलाया है भाई 500 लोगों को तो हमने मर्दाना और जनाना अलग कर दिया। सेग्रीगेशन जो किसी किसी क्या होती है एक फ्लोर हमने मर्दाना कर दिया एक फ्लोर हमने जनाना। तो वो सस्ता पड़ता है क्या? जी जी बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब इस तरीके से कि अगर ये महंगे से महंगा भी है तो 50 से 60 हजार है। अच्छा इसमें फिर हम ऑप्शन भी देते हैं कि अगर आप टाइमिंग को अपनी चेंज कर लेते हैं जैसे दोपहर की टाइमिंग में लेते हैं तो इसको हम नॉर्मल डेज में 35,000 तक में दे देते हैं। अच्छा अच्छा अब इसमें हमारा जो वेन्यू है शाही बॉलरूम इसमें 300 लोगों तक सिटिंग स्पेस है। अच्छा एक एक बॉलरूम एक उसकी फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें इसी तरीके से हमारे पास 4 फ्लोर ये इसी तरह होता है डेकोरेटेड होता है चेयर्स होती हैं टेबल्स वगैरह सब होती बिल्कुल सेम सारी वही चीजें होती हैं जो एक नॉर्मल बैंक्वेट के अंदर होता है। अच्छा। कम्प्लीटली एसी होता है। हाँ। अच्छा इसमें अब हमारे पास जैसे वीआईपी का लॉबी बनती है उसमें सोफा सेटिंग होती है 60 लोगों की हमारे वेन्यू में सोफा सेटिंग होती है 240 चेयर अरेंजमेंट्स होते हैं। अच्छा अब इसके अलावा हम उसमें एक पैकेज भी ऑफर करते हैं। हाँ। जैसे कि इसमें एंट्री पैकेज हम फ्री देते हैं। अच्छा। मिनरल वाटर इसमें हम फ्री देते हैं। अच्छा। और ये कम्प्लीटली फुली एसी होता है ब्राइडल रूम एसी के साथ होता है इसमें स्टैंड बाय जनरेटर होता है। अच्छा अब ये होता है तो आप मुझे बताएं आप एक तो दोपहर का टाइम हो गया और एक रात का टाइम जी बिल्कुल बस ये दो ऑप्शंस होते हैं इसमें मॉर्निंग बहुत सारे लोग मॉर्निंग में भी जी जी मॉर्निंग भी होता है। मॉर्निंग में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ज्यादातर कंपनीज के बैंकर्स के या स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो मॉर्निंग वाला टाइम जो लेते हैं। अच्छा तो सबके जो प्राइसेस हैं वो वैरी करते हैं प्राइस में फर्क आ जाता है। अब इस तरीके से जैसे अगर आप रात वाली टाइमिंग लेते हैं तो वो तकरीबन यूँ समझ लें एक नॉर्मल प्राइस की 60-65 हजार रुपए होती है। फिर अब दिन में जब जाते हैं तो वो 30 से 35 हजार हो जाता है। इसमें क्रॉकरी भी इंक्लूड हो जाती है? क्रॉकरी इसमें शामिल होती है। अच्छा। इसमें वेटर्स शामिल होते हैं। अच्छा। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो इसमें हम फैसिलिटी ये भी देते हैं कि पैसेंजर लिफ्ट है 2 पैसेंजर लिफ्ट होती है जो एंट्रेंस में निकलती है फिर एक कार्गो लिफ्ट होती है जो किचन में निकलती है यानी आपका जो खाना वगैरह जो कमर्शियल एक्टिविटीज और जरूरी है कि खाना जो है वो आप लोगों के केटर से कराएं अपना कोई केटर नहीं नहीं, नहीं हम किसी भी चीज में पाबंद नहीं करते। अच्छा हम ये कहते हैं आपको जहाँ से बेहतर लगे आप वहाँ से करवा सकते हैं। ठीक सही है ठीक। अच्छा तो अब अगर हम अंदाजा लगाएं ना आपने बताया कि 60 हजार रात का फंक्शन 60 हजार का तो ये हॉल आया। हाँ। हमें और फिर कुछ और डेकोरेशन करवाने की जरूरत नहीं इसमें जरूरत नहीं है जिस तरह स्टेज वेज होता है वहाँ पे नहीं इसमें स्टेज शामिल होता है स्टेज देते हैं हर टेबल पर आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट्स होते हैं वो भी इसमें चेयर्स होती हैं सोफाज होते हैं एसी होते हैं ये तकरीबन जो चीजें होनी चाहिए एक पार्टी में। अच्छा। तकरीबन सारी ही चीजें। अच्छा आप 60 हजार ये हो गए खाना। हाँ, हमने खाना, तो चलो हमने खाना ले लिया थोड़ा बेहतर हम ले लेते हैं 325 वाला ठीक है सही है जिसमें सैलेड वैलेड भी ज्यादा 3.5 ले लेते हैं ना ये 3.5 बारबेक्यू वाला सामान ज्यादा उसमें है ना। अच्छा चलो ले लेते हैं हम 325 वाला हम 325 हाइस्ट लेते हैं 325 वाला ले लिया हम जरा हिसाब किताब करें 20 अगर दो जोड़े लिए तो समझो 20-20, 25-25 के तो दो जोड़े चलो 50 उसका रख लिया वलीमा और वो तो ये हो गए कितने 365 50 ऐड करें तो कितना 50 ऐड करने हैं ना दुल्हन के जोड़े के तो 65-60-40-35 और 20 4,15,000 के 4,20,000 के करीब ठीक है 4,15,000 अब मेकअप अब आ गए मेकअप 10-15 हजार बताई थी एक दिन का तो 30 हजार बस 2 दिन के लगा लो बस तो 4-15 में और ऐड करो ठीक है 45 तो लाइक शादी का ये वाला और ज्वेलरी 10-15 हजार में आ जाएगी लाइक
और दूल्हा के कपड़े तो कम के ही होते हैं, ज्यादा के तो नहीं होते। अगर हम ब्राइड कर रहे हैं तो दूल्हा के कपड़े हम नहीं करेंगे ना। हाँ। और अगर हम दूल्हा के कपड़े कर रहे हैं तो ब्राइड नहीं कर रहे। तो 4:30-5 में खाली शादी निपटेगी, वलीमा भी तो रह गया। हाँ। वो तो नहीं, हमारा आप शहंदी रख रहे हैं, जिस दिन शादी है उसी दिन मेहंदी कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जो दो भी हमने दो लगाए हमें एक ही लगाना है, मेकअप भी हमने दो लगाए हमने एक लगाना हाँ, है हाँ। क्योंकि हम एक ही फंक्शन कर रहे हैं हाँ। तो एक इवेंट तो आपको पड़ रहा है 4-5 के दरमियान। इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं कि अभी आजकल एक नई चीज और चली है, शलीमा। उसमें होता यह है कि लड़की वाले और लड़के वाले मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो कहीं मौलवी साहब का वो सुन रही थी कि वलीमा और शादी एक साथ नहीं होती। फतवे हैं इसमें हाँ। और तो इसलिए वो सही है भाई, मेहंदी वाला शांति सही है, शांति ठीक है। दूल्हा दुल्हन अगर एक साथ, दूल्हा दुल्हन कह रही हूँ, दूल्हा की फैमिली और दुल्हन की फैमिली को एक साथ चीज रखती है, पंगे होते हैं, वो लोग ज्यादा लोग ले आए हम कम ले आए, शांति फिर भी ठीक है। मेहंदी और शादी, शांति जो भी है। आजकल इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं हमारे पास, ऑर्डर आते हैं कि जो मिलके सही है। झगड़ा तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं भाई, लोगों की फरमाइश पूरी करें जरा। जोड़े हमारे बड़े हाँ। रह गए थे और लोग कह रहे हैं जोड़े और देखने। तो ये तो हमने आपको एक छोटी सी एक लाइनिंग दे दी है कि खाना ऐसे भी हो सकता है और वेन्यूज की ये भी ऑप्शन है कि आप अब हर कोई धूमधाम से शादी कर सकता है, अपने चादर में पैर फैलाए, 4-5 लाख के अंदर आपको हर चीज आप कर सकते हैं। तो छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतने जो मैसेजेस आ रहे थे ना, जोड़े पूरे नहीं दिखाए, तो मैंने दोबारा से फरासत और मेनास को बुला लिए, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इनके जो बकिया थोड़े से रह गए जोड़े वो दिखा देते। फरासत आपके इतने अच्छे अच्छे रह गई थी। ये भी बता दें, ये रेंट पर हैं जिन लोगों ने अभी देखना शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया था तो हमने बताया था कि ये रेंट पे अवेलेबल होते हैं। फरासत लाहौर से आए हैं, एमएम आलम रोड पे इनका है शोरूम जी। ये टेल में लेंगे, ये टेल वाला, ओके। काफी डिमांड होती है क्लाइंट की कि कुछ टेल में भी चीजें दिखाएं रेड कलर में। ये तकरीबन कितने का पड़ेगा रेंट का? ये रेंट पे मिलेगा 45,000 में। अच्छा, टेल वगैरह है जी, दुपट्टा भी इसके साथ डबल होगा। अच्छा, डबल दुपट्टा, डबल दुपट्टा होगा, ओके। क्या बात है, और ये कितने में क्या बताया रेंट? मुझे देखो ना, पूरी टेल दिखा रहे हैं, उसकी रीजन ये आदमी है ना, अच्छे से वो पूरा कर रहे हैं, उठा पा रहे हैं। हम लोग तो जोड़े नहीं उठा पा रहे थे इतने भारी। इसके अलावा ये वाला रास्ता, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला कलर, और वो इतना प्यारा लग रहा है। ओ, कॉम्बिनेशन ये इसके साथ है, ओ वाओ, ओहो, बहुत प्यार है, बहुत प्यार। ये बैक टेल है, पीछे से टेल है, हाँ ठीक है। और दुपट्टा भी इसका प्यार है ना, सिंपल सा, बहुत खूबसूरत है, सीन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तकरीबन कितने का रेंट होगा? ये 45,000 में मिलेगा। 45,000 दुपट्टा भी हैवी बना होगा, ये देख सकती हैं आप सारा, जाल में दुपट्टा बना हुआ छड़ी के साथ। अब हर लड़की ना दुल्हन बनकर अपने अरमान पूरे कर सकती है, हैवी जोड़े पहन ले, वही ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बजट कम होते हैं। और इवन के डिजाइनर के भी बड़े बड़े जो जोड़े हैं जो रेंट पे लोग दे रहे हैं, बिल्कुल। साथ पर्स भी होता है, पाउच जो होता है वो सेकंड डे के साथ होता है, बस अपनी अपनी रिक्वायर्ड होती है। तो काफी सारे जोड़े रहेगा, इनको तो हेल्प की जरूरत भी नहीं, आदमी और फायदा ही उठा, ये दान पान के देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये लहंगा विद मैक्सी बनी हुई है, तो बहुत अच्छा डबल स्टाइल में है वो, ये तो उल्टा है ना, सीधा दिखाओ, नहीं ये सिर्फ यही है, सीधा ये फ्रंट बैक सेम बना होगा, नहीं सेम है, ये बैक है, ये बैक है। अच्छा मैं समझी वो फ्रंट, ये बैक है हां, ये देखिए ये फ्रंट है, डबल में बना हुआ है, लहंगा विद मैक्सी है, और दुपट्टा दुपट्टे के फोर साइड बॉर्डर बना हुआ है। हमारी लाइट शादी के हिसाब से नहीं है, मॉर्निंग शो के हिसाब से, तो शादी की लाइट अलग होती है, उसमें जो ये झिलमिल करेगा, क्योंकि अभी हम नेकेड आई से देख रहे हैं ना, तो हसीन तरीन जोड़ा लग। और ये कितना, ये कितने का? ये 45,000 में, 45,000 का रेंट में आप ले सकते हैं।
फ्लेयर भी इसके जितने भी मैंने आपको ड्रेस दिखाए हैं इनके 250-300 फ्लेयर बने हुए हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो बड़े फ्लेयर का ट्रेंड है, ठीक है, कस्टमर बड़ा फ्लेयर मांगता है, जितना भी हो ज्यादा वो कस्टमर बड़े फ्लेयर को लाइक करता है। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। और वो एक वाइट रह गया ना, वो भी प्यारा है। अच्छा मजे की बात है, हमारे पास वैरायटी मनाज के बाद अलग किस्म की वैरायटी है, इनके पास अलग किस्म की है, तो लाइक हमारे पास वैरायटी बहुत आज शो में नजर आ गई। अपने निकाह पे भी हो सकता है और ये वलीमे पे भी, हाँ, उसके अलावा एंगेजमेंट पे अगर यूज करना चाहे। हमने पहले दिखाया था शायद, नहीं नहीं दिखाया है, अच्छा पहले दिखाया है, इसका भी हैवी दुपट्टा है। जी सही है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, वेरी नाइस, वलीमे का बहुत अच्छा कलेक्शन। चलो जी मैं नाज की तरफ आ जाते हैं। हाँ मैं नाज तो जो हमारी चीजें रह गई, ये काशिश का एक बहुत खूबसूरत लहंगा है, ये हमने पहले दिखाया, आपने काशी से ही खरीदा है? जी जी काशी से ही मैंने ऑर्डर पे बनवाया है, और ये बहुत लाइक करती हैं लड़कियां, क्योंकि सीक्वेंस वर्क बना हुआ है, प्लस इसका जो कलर है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, डार्क मरून की तरफ, डार्क मरून जोड़ा दिखाएं मेनास को दिखा जी, ठीक है, सीक्वेंस वर्क है, वेल्वेट पे है ना, तो वो वेल्वेट पे है जी, उठ कर आ रहा है, और ये इसकी चोली है इसके साथ, सही है। ये कितने में रेंट पर है? ये 25,000 ज्वेलरी के साथ, और वो भी काशीज की ज्वेलरी, इसी का दुपट्टा, अच्छा काशीज की ही ज्वेलरी, ये दुपट्टा इसका, ये इसी का दुपट्टा है जी, अच्छा सही है, ठीक है, अच्छा कोई अगर दुपट्टे दो भी बोलती है ना आजकल ब्राइड्स, तो मैं दो दुपट्टे भी उनको मेहनत, सही है, दो बोले अच्छा ये ज्वेलरी नहीं वो ज्वेलरी कर देंगी, बिल्कुल पूरा हर चीज ज्वेलरी के साथ में, लेकिन ये मुझे बिजनेस पसंद आया, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के थोड़े पैसे हैं, ये हमने पहले ड्रेस दिखाया नहीं था, ये बहुत ये भी प्यारा है, फ्रंट बैक दोनों तरफ से सेम ही इसका काम है, भी प्यारा है जी, बहुत इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ये भी किसी डिजाइनर का है या जी जी जी, ओह बहुत ऐसे अच्छा है, मिनास कितने अरसे से कर रही हैं आप ये? सिंस 2015 अकेले मैनेज कर लेती हैं सब, बिल्कुल शुरू में थोड़ा मुश्किल था लेकिन अब आदत हो गई है। सो इन्वेस्ट कितने शुरू में जो है वो कितने पैसों से किया था? अच्छा शुरू में जब मैंने किया था ना निदा, तो डाउट था, मेरे से ज्यादा लोगों को डाउट था कि पता नहीं कौन लेगा ये है वो है, क्योंकि आपको आइडिया कैसे आया? मैं अपनी शादी पे जब मुझे ये था कि मुझे ना बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करने, मैं बहुत सर्च कर रही थी इधर उधर कहीं मिल जाए रेंट पे, ये पैसे मेरे बच जाएं, कुछ भी नहीं मिला, फिर मैंने ये सोचा मैं ये बिजनेस करूंगी, और फिर मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि हां ना है नहीं बहुत कम लोग हैं जो ये वाला बिजनेस कर, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी बहुत चालाकी से किया था, आपसे जोड़ा ले लिया इनसे ले लिया इनसे सबसे लेके कलेक्ट करके वो कर, शुरू में इन्वेस्ट नहीं किया, मैं कह रही हूं ना थोड़ा सा लोगों से, और फिर अब ये सोशल मीडिया के दौर में ना ये बहुत ये फायदा हो गया ना कि भाई ये टेल मैक्स है, ये देखिए ये टेल मैक्स है, ओए ओए कितना खूबसूरत जोड़ा है, मेरे पहले वो कौन थी सना सफीना स्टाइल ना, इसी तरह के जो शादी के एक ट्रेंड चला था भरे हुए काम के, वाओ, और ये दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है, ये वाला जी, ये इसका दुपट्टा, हाँ इस पे बहुत ज्यादा काम है तो दुपट्टा इतना ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा डिसेंट लुक आता है जी। और ये कितने में? ये आपको मिल जाएगा 20,000 ज्वेलरी के साथ, ज्वेलरी के साथ है, वेरी नाइस। अच्छा ज्वेलरी पे इन्वेस्टमेंट की होगी है ना, आपने भी इमिटेशन ज्वेलरी लेके रखी हुई होगी जी, वो सारा ये भी ऑर्डर पे बना हुआ है, ये भी आपको 30,000 में ज्वेलरी वगैरह पाउच इसका सब कुछ साथ में मिलेगा, और कैन कैन ये है कि अंदर इसके अटैच है, जिस ड्रेस के साथ नहीं होता फिर मैं अलग से दे देती हूँ। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये था हमारा आज का शो, हमने कहा कि ज़रा आसानी पैदा करें उन लोगों के लिए जिनके कंधों पे जाहिर है शादी का बर्डन है, खर्चे हैं, आजकल इंसान अपने बिजली के बिल ही पूरे कर दे तो हम ही हम तो आसानी पैदा कर रहे हैं, अब समझदारी इन्होंने करनी अब है, स्मार्ट डिसीजंस आपने लेने हैं, क्योंकि पैसे बचा के हनीमून पे जाएं वो यादें हमेशा के लिए, बिल्कुल बिल्कुल है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।